अच्छा शेख साहब, ये फरमाइए, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? मामूलात रमज़ान में कुछ मुख्तलिफ हैं या उसी तरीके से जो इससे पहले चल रहे थे? ऑफ कोर्स मुख्तलिफ हैं। इस दफ़ा कोरोना की वजह से इतना मज़ा नहीं है रमज़ान का जितना पहले होता था। जिस तरह इफ्तार पार्टियां और सैर पार्टियां और गप्पें लगती थी और लाल वेली के नीचे महफिलें जमती थी, वो माहौल तो नहीं है। बस रोज़ा ही रोज़ा है, रोज़े रोज़ा नमाज है और रोज़ा है। मुझे क्यों लग रहा है कि इस वक्त आपको रोज़ा लग रहा है शेख साहब? वो जो तमतराक है आपका, ज़रा वो उस शिद्दत का नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे ज़्यादा सिगार को आप मिस करते हैं यानी कि? सिगार मुझे बहुत तंग करता है, सिगार तंग करता है। इस वक्त मेरा बुरा हाल होता है 6 बजे। तो अफ्तार के बाद पहला काम क्या करते हैं रोज़ा खोलने के बाद? सिगार। सिगार, अच्छा बाबा। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि लाजिम बात है आप लोगों को तो अपने जो मामूलात हैं वो उसी तरीके से करने पड़ रहे हैं। सियासी मामलात भी हैं, कोरोना के मामलात भी हैं, आप एक एक्टिव मिनिस्टर भी हैं, लेकिन फिर भी निस्बतन ज़्यादा घर में रहना पड़ रहा है आपको या बिल्कुल वैसे ही रूटीन है हर चीज़? अगर रहना पड़ रहा है तो घर वालों के साथ कुछ काम वाम में हाथ बटाते हैं, कैसे मामूलात चल रहे हैं उनके साथ? सारी ज़िंदगी मैंने तन्हाई गुजारी है जी, और मैं घर के साथ बस बचपन में ही जो अटैच रहा वो अटैच रहा, और खाना शाना सहरी इफ्तारी का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, ख़ास तौर पर इफ्तारी का, उसकी सुपरवाइज भी करता हूँ और खाने पे नज़र भी होती है। अच्छा, अभी भी मैं पूछ रहा था कि भाई करेले कीमा पकाया कि नहीं पकाया ज़रा सही तरह से। वाह। सो खाने का मैं शौकीन हूँ। वो तो सारी दुनिया जानती है शेख साहब, जो बाहर जाके कभी आप इफ्तार करते थे, सहर करते थे, वो आजकल छूट गया है या उस कभी कभी चले जाते हैं? वो आजकल हालात नहीं है ऐसे, क्योंकि एक तो सेल्फियों का ज़माना आ गया है। जी जी जी, लोग इस टेलीफोन ने काफ़ी काम को ख़राब किया हुआ है। सेकेंडली, हमारा जो कल्चर था मोहल्ले का वो बड़ा अजीब था कि हम सहरी तक जागते थे सारे लोग, अफ्तारी तरावी पढ़ के भी तो बैठे रहते थे थड़ों पे और गप्पे मारनी और एक दूसरे की बदखोइयाँ करनी, और फिर फजर रोज़ा रख के तो हम सो जाते थे नमाज पढ़ के। ये सारा प्रोग्राम इस दफ़ा डिस्टर्ब हो गया, टोटली डिस्टर्ब है। और वैसे भी घरों में काफ़ी लोग ज़्यादा आ गए हुए हैं, इधर उधर से भी लोग आए हुए हैं मोहल्लों में, सो काफ़ी बड़ी तादाद है। सो और ईद के बाद ये वापस जाएंगे अपने अपने घरों को तो कोई बेहतरी होगी। अच्छा शेख साहब, मेरे ख्याल में आपने तो बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, चूँकि मेरा नहीं ख्याल, मुझे कह लेने दीजिए, आपसे किसी को 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर जितने अवामी इस वक्त सियासतदान आप हैं, शायद ही कोई दूसरा अवाम में घुलने मिलने वाला सियासतदान हो। तो वो जो लोगों के साथ घुलना मिलना, जफियाँ बैठ के गप्पे करना, उसको तो आप ओवरऑल भी कोरोना के दिनों में 3-4 महीने से मिस कर रहे होंगे। जफ़ी शफ़ी का तो फैशन कुछ कम ही हो गया हुआ था, लेकिन शाम को गप्पे मारने की आदत जो है ना वो बड़ी तंग करती है, उदासी हो जाती है बड़ी। रोज़े के बाद, रोज़ा खोलने के तरावियों के बाद जो फजर तक बैठना होता है, और सारा शहर जो चल रहा होता था वैसा नहीं चल रहा, और खौफ भी बहुत पैदा हो चुका है। फिर जो फौतगियाँ हुई हैं वो ऐसी हुई हैं, ये ऐसी बीमारी है कि बीमारी भी तन्हाई की है, दवाई भी तन्हाई की, जनाजा भी तन्हाई का, कब्र भी तन्हाई की, नहलाने वाले भी तन्हाई के, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सो बड़े सारे मसाइल हैं इसके इस दफ़ा। शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हिट जो है वो आपके महकमे को पड़ी है, चूँकि बिल्कुल ही आपकी आमदनी तो, चूँकि ट्रेनें चल नहीं रही हैं, वो तो सिफर होके रह गई है, तो कैसे तनख्वाहें देंगे? क्या कोई पैकेज हुकूमत से मांग रहे हैं? कैसे सर्वाइव करेगा रेलवे? आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत मुश्किल है जी, 5 अरब रुपए की सैलरी चाहिए, 3 अरब रुपए की पेंशन है, 3.25 अरब रुपए की, और 2 अरब रुपए की तनख्वाह है। सो इस महीने का तो कुछ कर लेंगे, अगले महीने के मसाइल होंगे, ज़ाहिर है हुकूमत को देने पड़ेंगे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ इतना सारा शहर खुल गया वहाँ ट्रेन भी खुल जाती, लेकिन अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ। और मैं, आप मुझसे पूछ रहे थे, मेरी ज़िंदगी का ये पहला रमज़ान होगा जो मैं 27वीं रोज़ा रसूल पे नहीं गुजारूंगा जब से मैं जवान हुआ हूँ।
सो ये पहला दिन होगा मैं जब से मैं बालिग हुआ हूँ, होश संभाला है और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी खाना काबा की छत पे भी नमाज़ पढ़ने की। ये सातें पाकिस्तानी 8-10 लोगों को नसीब हुई हैं। लेकिन मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि जो रोज़े का चस्का था ना जी, जो मज़ा था मोहब्बतों का और चाहतों का, और जो हमारी खालाएं या माएँ पुरानी बुढ़ियाँ एक दूसरे के घर में सालन भेजती थी, अब तो सालन भी कोई नहीं आया लाल वेली इस दफ़ा। पहले जिसके घर अच्छा पकता था वो कुछ भेज देता था, पुलाव भेज देता था, दही भल्ले भेज, चाट ही भेज देते थे मोहल्ले वाले, हाँ जी कोई दही पड़ा भेज देते थे कोई। इस दफ़ा तो किसी ने भेजा ही कुछ नहीं, बड़ा अजीब किस्म का रमज़ान आया। तो शेख साहब ये फरमाइए कि अब हम देख रहे हैं कि चाइना ने इस तमाम इब्तला के दौर में भी सी पैक पे काम तेज़ किया है, उसको अंदाज़ा हुआ है कि उधर से सी साउथ चाइना सी से अगर गड़बड़ होती है तो यही एक रूट जो है वो उसके पास है, और बाकायदा यानी कि हमें गवादर पे भी काम नज़र आ रहा है, बाकी सी पैक रूट्स पर भी काम नज़र आ रहा है। ML-1 के हवाले से भी आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा मौका था कि उस हवाले से भी अगर कुछ फंडिंग ली जाती और उसको एक्सपेडाइट किया जाता, काम को तेज़ किया जाता? देखें सी पैक बेसिकली था ही ट्रेन के लिए। जब अफगान वार थी हमने बड़ी गलती की, सारी सड़कें अपनी तबाह कर ली, अमेरिकन ट्रक जाते थे टैंक लेके बिल्डोज़र लेके। अगर हम उन्हीं से कहते कि भाई तुम ही ट्रैक डाल दो, कराची जैकबाबाद उनका मेन बेस था शहबाज, कम से कम हैदराबाद से लेके तो पेशावर तक लाइन पड़ जाती, जलालाबाद तक पड़ जाती। अब हमने पेशावर तक सारा काम तैयार किया हुआ है जी, ये सड़कें और ये पुल और ये तो ये बजरी पड़ी है, वो गारा पड़ा है, वो सीमेंट पड़ा है, ये तो मामूली काम थे जिसपे हमने अरबों रुपए मकरूज हो गए। असल काम ही ML-1 है, क्योंकि ट्रेन 1861 की लाइन पड़ी हुई है, वो इतनी बसीदा है कि एक्सीडेंट का हर वक्त डर लगा रहता है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सो ML-1 पे अगर हमने काम ना किया तो हम कौमी जिम्मेदारी से मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदार होंगे, और ML-1 पाकिस्तान की सलामती की लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेटजिकल लाइन है। आपको नहीं लगता शेख साहब ये बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त चाइना को उसकी फंडिंग के हवाले से कायल करना? गालिबन इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बन गई थी या बनने के मराहिल में है? बन चुकी है जी, PC-1 भी बन चुका है, सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर को सहना है हमने, हमने इंटरनेशनल प्रेशर को सहना है, IMF को सहना है, वर्ल्ड बैंक को सहना है, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के तल्लकात ख़राब हो गए, जिसके मैं चांसेस देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए, फिर हम पे भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन इतने ही सामने, अगर उन्होंने माशी जंग, ग्वादर जो है नया बर आज़म है चीन के लिए, एक नया रास्ता है, क्योंकि उसका देखें नक्शे में देखें ना, मलाइशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, सारा यूरोप, जिबूटी, बैंकॉक, इंडिया, ये सारा, ये 14 दिन में, हाँ ये 14 दिन में ग्वादर पहुंच जाएंगे, और ये जो इतने महीने का सामान है ये तो एक इंकलाब होगा ग्वादर, तकरीबन 76 दिन का है जो 14 दिन में, क्या पॉलिसी 14 दिन में हो जाएगा जी। हाँ तो मैं शिक्षा, और एक और बड़ी बात है जी प्लीज, चाबहार जो है वो 2 MNT होगा, चाबहार में 1.5 जहाज खड़ा हो सकता है जी जी, ये दुनिया की 6 बड़ी बंदरगाहों में शामिल है, ये 400 MNT है, यहाँ 200 से 400 जहाज एट ए टाइम खड़े हो सकते हैं। ये दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है, खुदा की इतनी बड़ी नेमत है कि चाबहार जिसका इतना शोर है वहाँ 2 जहाज नहीं खड़े हो सकते, और यहाँ 400 जहाज खड़े हो सकते हैं, इतनी बड़ी ये बंदरगाह है दुनिया की। तो शेख साहब आप नहीं समझते कि जब दुनिया इस वक्त लाजवाब है कोरोना में बिजी है, हर आदमी जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं वो स्ट्रेटेजिकली जो फैसले कर सकती हैं वो कर रही हैं, तो ML-1 को भी इस वक्त फंडिंग लेने का और खामोशी से जैसे कहते हैं कि हम्बल होके काम शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त नहीं था, आपको लगता नहीं है? मैं कोरोना के बाद वर्ल्ड आर्डर बदलता हुआ देख रहा हूँ, ये नए दोस्त और नए इलाकाई मुखालिफ, और ये तो बहुत सस्ता सा काम हो सकता है, क्योंकि अब अमरीका चीन भी जो है वो अपनी स्टॉक एक्सचेंज RMB पे ले गया है, और डॉलर भी पाकिस्तान को सस्ता होने जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट तो आप देखें ना, दुनिया में इन्वेस्टमेंट के अदारे बंद हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोगों एक नई लाइफस्टाइल आ रही है हर बंदे का, ठीक है, वो आदमी नहीं रहा जो कोरोना से पहले था, उसकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उसकी खुराक मुख्तलिफ है, उसका एटीट्यूड मुख्तलिफ है,
उसकी फॉरेन पॉलिसी मुख्तलिफ है, उसकी इकॉनमी मुख्तलिफ है, सो थिंग्स आर डिफरेंट आफ्टर दिस कोरोना वायरस। कोरोना मैं मुझे थोड़ा सा मुल्की सियासत पे बात करनी है, मगर एक सवाल आपसे और करूँगा। ये जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं सारी दुनिया में, चाइना और अमेरिका जिस तरीके से एक दूसरे को बयानबाजी चल रही है, सिकम में भी जो कुछ हुआ वो यही लगता है कि अमेरिका ने, इंडिया ने अमेरिका के कहने पर ही वहाँ पर मामला जो हैं वो छेड़े, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जब प्रेशर आएगा तो आपका क्या मशवरा होगा काबीना को, प्राइम मिनिस्टर को, मुख्तदर हलकों को, कि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर किसके कैंप में आगे बढ़ना चाहिए? देखें, एक तो इंडिया से हमें ख़तरा होगा कि वो एक कोई छोटा बड़ा हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा, हमारे साथ शरारत कर सकता है, लेकिन हमें चीन जैसे दोस्त को तो नहीं छोड़ना जी। ठीक है, को मालिया से ज़्यादा और टेस्टेड फ्रेंड जो है चीन है, और हमें बेहतर फैसले करने हैं कि क्या करने हैं, लेकिन ये सोचना कि हमें बुरे वक्त में आज तक चीन ही काम आया, अमेरिका का तो छठा बैरी बेड़ा आता रहा और हम इंतज़ार करते रहे। सो एज ए शेख रशीद आई फुली सपोर्ट द रिलेशन विद चाइना एंड इंशाल्लाह एमएनवन विल बी देयर इंशाल्लाह। और इसका मतलब है, मैं अगर आपकी बात को समझाऊँ तो चाहे कैसी ही ऑफर कहीं से क्यों ना आए, सी पैक को जारी रहना चाहिए इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा शेख साहब, आप ये फरमाइएगा कि दो ग्रुप कहते हैं कि आपकी हुकूमत में बने, एक असद उमर साहब का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो असद उमर साहब की तरफ हैं, और मुराद सईद से लेके कई लोग जो हैं वो अब जहांगीर तरीन साहब के हक में बयान दे रहे हैं। तो ये जो इस वक्त इतने अहम मोड़ पर, जब अपोजिशन भी आपको पता है बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठी है, मियाँ शहबाज साहब क्यों आए आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ऐसे मौके पर ये जो अंदर की खिचड़ी है ये कितना नुकसान पहुँचाएगी इमरान खान की गवर्नमेंट को? देखें जी, कोई ग्रुप श्रुप नहीं है, इमरान खान की सियासत है, ये क्या बेचते हैं सारे, ना इनका कोई सियासी मुकाम है ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ये इमरान खान की एफ़र्ट्स हैं, उसकी मेहनत का नतीजा है, उसने जिद्दोजहद की, उसने छाती धागे के साथ लगाई, और बाकी इमरान खान के आगे कोई चुरचार नहीं करता, कोई ग्रुप नहीं है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कोई ग्रुप नहीं है। शेख साहब ये फरमाइएगा कि आप चाहें तो तरदीद कर दें, मगर कुछ हल्के कह रहे हैं कि सारे मामले में आप भी कुछ खफा हैं इमरान साहब से, थोड़े से कोई दूरी पैदा हुई है, ये दुरुस्त है ये बिल्कुल गलत बात है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मैं इमरान खान के साथ हूँ। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप डिफेंड करते नज़र आते थे मुख्तलिफ मामलों में, कोरोना के मामले में, लॉकडाउन के मामले को, हमने आपको उस शिद्दत से देखा नहीं पिछले कुछ अरसे से मीडिया पर, इसकी क्या वजह है? वैसे मैं लॉकडाउन में इमरान खान का हामी हूँ, ये चीनी शुगर और आईपीपी में मैं सख्त, मैं इसका मुखालिफ था कि ये नहीं एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, और मैं हामी हूँ कि ये जितने लोगों ने बैंकों के कर्ज़े लेके माफ़ कराए, और जो इमरान खान का बयानिया था कंटेनर पर, मैं उसको एंडोर्स करने का हामी हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं नहीं ऐसा। ठीक है, मैं ऐसा सियासतदान नहीं हूँ। ठीक है शेख साहब, लॉकडाउन का जो मामला है इस पर इमरान खान साहब की राय जो है, हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि आप पूरी तरीके से इब्तदा में आप इसके हक में नहीं थे, अब इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद भी एक कन्फ्यूजन सा लगता है, पंजाब में कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, सिंध बिल्कुल ही मुखालिफ खड़ा है, शेख रशीद साहब की ज़ाती राय, चूँकि आप अवामी आदमी हैं और सिस्टम को जितना आप समझते हैं शायद ही कोई समझता हो, तो आपकी राय क्या है कि इस कोरोना से कैसे निपटना चाहिए था हमें, और आइंदा क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? देखें, मैं इस गरीब की बात नहीं कर रहा जो बेलचा लेके और करंडी लेके बैठा हुआ है और ज़्यादा कमाई करके जा रहा है रोज़, मैं उस सफ़ेद पोश से भी बात कर रहा हूँ जो शटर का दुकानदार है, सारा सीज़न का उसने सामान ख़रीदा हुआ है, उसने लोन ख़रीदी हुई है, उसने कार्टन ख़रीदी हुई है, उसने लट्ठा ख़रीदा हुआ है, गोडाउन के गोडाउन महलों में भरे हुए हैं, अगर वो इस सीज़न में नहीं निकलता तो पीछे फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला सारी लूमें बंद हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा बुरान होगा। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ कंट्रोल एसओपी के तहत बाज़ार खुलने चाहिए, ख़ास तौर पर शटर की दुकानें ज़रूर खुलनी चाहिए। ठीक है, मैं इसका पुरजोर हामी हूँ, और रेलवे ईद से पहले खुलनी चाहिए, जहाज़ों के खुलने का क्या है जी, अगर एक जहाज़ को आप खोलेंगे तो वो मेरा मतलब है 30 जहाज़ों के बराबर एक ट्रेन चल सकती है। ठीक बात है शेख साहब, ये बताइए कि आगे अगर जो जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हो रही हैं आपकी नज़र से गुजरी होंगी, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जुलाई के वस्त तक तकरीबन 2.5 लाख लोग जो हैं, 2 से 2.5 लाख लोग वो इस बीमारी में मुबतला होंगे, अगर 25% लोग भी हस्पतालों में आते हैं, 50 से 60 हज़ार लोग, तो हम इतना बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे, होगा क्या फिर?
अल्लाह बहुत मददगार है जी। अभी पाकिस्तान में जितने डॉक्टर ने पेशेंट गोइयां की थी, गलती हो रही हैं, कोई इतनी ज़्यादा अमवात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने स्कूलों को भी बना लेंगे, हम अपने घरों को भी क्वारंटाइन कर लेंगे। लेकिन मैं मुतमिन हूँ कि इतने अल्लाह से दुआ भी मांगता हूँ रात को, और सारी कौम ला इलाहा इल्ला अंता सुबाना का इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालमीन सहरी के वक्त पढ़े, एक और ये पढ़े, इसका बेहतर होगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। आमीन। शेख साहब, आखिरी सवाल है तो आपके निजी हवाले से, मगर इस क्वारंटाइन में जब दिन के साथी जो हैं और पब्लिक के साथ भी मेल जोल को इतना बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें भी थोड़ी सी दूरी आई है, तो अब आपको महसूस हुआ कि यार शादी कर ही लेते हैं, घर में बेगम साहबा से इन दिनों में बातचीत हो जाती, खैर खबर हो जाती, तो कि मतलब कहीं एहसास हुआ? की हुई है वो तो आजकल बहुत जिन्होंने की हुई है वो तो बहुत तंग है आजकल, वो तो कहते हैं कि कब खुलेगा। अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं मुझे कि तंग आ गए हैं शेख रशीद घर में, टीवी देख देख कहते हैं, टीवी देख, वो इस तरीके पार्लिमानी अंदाज में कहते, सख्त तंग आए हुए हैं लोग घरों में। तो आपको लगता है कि आपका फैसला ठीक था? इस तरह भी देखे, हाँ ठीक, कोई मशवरा दे दें फिर ऐसे लोगों को। अब क्या मैं मशवरा दूं, मुझे कई लोग कहते हैं जी महीने दो महीने हो गए हैं, तंग आ गए हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है शेख साहब, मैं चूंकि शायर आदमी हूँ, आपका शेरी ज़ौक बहुत अच्छा है, कोई अच्छा सा शेर आखिर में हमें सुना दीजिए। खुदा के मुझको देख मेरा हाल मुझसे पूछ, गैरों के कहने सुनने से यूं बदगुमाना हो। क्या कहने, क्या कहने, ये इमरान खान साहब को तो नहीं कहा आपने? नहीं नहीं नहीं